सिवान जिला के मैरवा के नई बाजार में स्थित राम जानकी मंदिर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें समाज की कुरीतियों सहित संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए चर्चा किया गया। इस दौरान सारण विभाग के संयोजक रितेश सिंह ने कहा कि इस बार अखंड भारत संकल्प दिवस और विश्व हिंदू स्थापना दिवस बेहतर तरीके से मनाने की रणनीति बनाई गई। प्रखंड संयोजक प्रमोद सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूती और बेहतर तरीके से कार्य कैसे किया जाए, जिससे समाज की कुरीतियों पर पाबंदी लगाया जाए, इस पर चर्चा किया गया। बैठक में सारण विभाग संयोजक रितेश सिंह, अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू, प्रखंड संयोजक प्रमोद सिंह, आशीष बर्नवाल, राकेश पाठक, शशि कुमार, राजकुमार जायसवाल समेत दर्जनों बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रखंड का ये बैठक था, मैरवा प्रखंड का, और नगर और प्रखंड मिला के बैठक हुआ, जो कि राम जानकी मंदिर पे, ये मैरवा बाजार स्थित जो मंदिर है इसी पे हुआ है। और ये प्रत्येक महीने हम लोगों का मासिक बैठक होता है प्रखंड का, उसी को लेकर बैठक था। क्या क्या चर्चाएं हुई इसमें? लव जिहाद, लैंड जिहाद और तमाम तरह की समाज की कुरूतियों पर चर्चाएं हुई। आगामी हम लोगों का जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा हुआ। जैसे कार्यक्रम है हम लोगों का आगामी, हम लोग अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं उस विषय पे, हम लोगों का विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस है उस विषय पे, और जो हम लोगों का एक संकल्प है कि प्रत्येक घर में एक बजरंगी हो, प्रत्येक घर से एक बजरंग दल का कार्यकर्ता बन के निकले, इस विषय पे चर्चा हुआ है। क्या दिशा निर्देश दिए गए जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक में मौजूद था? सभी लोग अपना कार्य करते हुए संगठन का कार्य करें और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें और अपने घर की बहन बेटियों को समझाएं, आगे कोई उनका कोई गंभीर आके उनको बहला फुसला के अपने जाल में ना फंसाए, इसी का निर्देश दिया गया कि इस विषय को समाज में ले जाके उनको जागृत करें। सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचारधारा होता है, परंतु संगठन यही सिखाता है कि आप इस राष्ट्र के बन के कैसे रहेंगे, इस राष्ट्र के लिए काम कार्य कैसे करेंगे। और हिंदू समाज में भी यही सिखाया जाता है कि आप अपने मातृभूमि की सुरक्षा कैसे करेंगे, अपने मातृभूमि की सेवा कैसे करेंगे, इस राष्ट्र की सेवा करेंगे कैसे करेंगे, तो संगठन भी यही सिखाता है। आपने सदन में भी देखा कि जो राहुल गांधी थे वो भी हिंदू के हिंसक बोले थे, इस पर क्या कहेंगे? उनका राजनीतिक बयान और एक तरह से कहें तो बच्चों वाला बयान है। राहुल गांधी बेशक इस देश के सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले युवा नेताओं में से हैं, परंतु कहते हैं उनके विषय में हम एक ही बात कहते हैं कि जिसको समझ आनी होती है 5 साल की उम्र से आनी शुरू हो जाती है, जिसको नहीं आनी होती है राहुल गांधी की उम्र का हो जाता है तब भी नहीं आती है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रितेश सिंह, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विभाग संयोजक सारण। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग के संगठन का ये बैठक पहला बैठक था, तो संगठन हम लोग का थोड़ा सा सुस्त पड़ा था, उसी को एनर्जी देने के लिए बैठक किया गया। जल्द ही सभी कार्यकर्ता पंचायत लेवल से लेकर वार्ड स्तर पर अपने कार्य में लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में आप लोग को भी संगठन का कार्य देखने को मिलेगा। किन के नेतृत्व में जो है यह बैठक का आयोजन किया गया था? ये रितेश सिंह जी हैं, हम लोग के जो सारण विभाग संयोजक हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित हुआ। पूरे जिले में हर प्रखंड लेवल पर ये बैठक आयोजित किया जा रहा है। देखा गया कि बैठक में बहुत कम कार्यकर्ता थे। थोड़ा सा ये चुनाव के बाद हम बताए आपको कि पहला बैठक था, तो इसलिए अधिकतर लोगों को सूचना मतलब लेट से प्राप्त हुआ था, जो अभी अगले बैठक में सभी लोग अच्छी संख्या में पहुंचेंगे। क्या संदेश देंगे अपने समाज के लोगों को? समाज के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे संगठन में अधिकतर वही लोग आते हैं जब उन लोगों पर कोई ना कोई मुसीबत आती है, तो क्यों ना वो लोग पहले से ही उस मुसीबत का इलाज रखें और हमारे संगठन से जुड़े रहें, ताकि उस तरह का कोई मुसीबत ही उनके सामने ना आने पाए। अपना परिचय बता दीजिए। प्रमोद सिंह, प्रखंड संयोजक बजरंग दल मैरवा।